ओके, तो आज आपके लिए रेडमी 9A, इसमें लाइट ग्राफिक्स शो कर रहा है, लाइट इश्यू है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ग्राफिक दिख रहा है कि आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलो इसमें देखते हैं कि कहानी कहाँ से है, ठीक है, दिक्कत कहाँ से आई है, उस चीज़ को जान लेते हैं। और इसी चीज़ को मैं आपको स्कीमेटिक के थ्रू और अच्छी तरीके से समझाना चाहूँगा, ठीक है। आप देखो, मिस्टेक कहाँ पे करते हो, गलतियाँ कहाँ पे हो जाती है, और क्या चीज़ हमको नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मैं जो नॉर्मल मतलब फर्स्ट टाइम बोले या जो बिगनर लोग हैं, वो कहाँ पे गलती करते हैं, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरी बात रही, हमको मेनली चेक किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम टाइम में उस चीज़ को भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसमें। और रही बात वीडियो की, तो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि देखो एक्सप्लेन ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो, तो देखते हैं हम किस तरीके से इसको चेक करना है। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको लाइट की जगह पे ले जाता हूँ, लाइट की लोकेशन। ये हमारी फिल्टर कॉइल लगी हुई है, और यहाँ पे देखो, ये मेरी है लाइट आईसी। चलो, पहले हम आपको लाइट आईसी का डिटेल दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप लाइट आईसी को देखोगे, चलो तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको काम किस तरीके से करता है। देखो, इसमें सबसे पहली बात तो हमको हर एक लाइन को जानना ज़रूरी है, जितने भी हैं यहाँ पे, कौन सा लाइन किस काम का है, कौन सा लाइन किस काम का है, ये सब कुछ सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो, PPS लाइन से एक 0 ohm की रजिस्टर होते हुए एक लाइन आ रही है, ठीक है। और वहाँ से एक फिल्टर कॉइल, सॉरी बूस्ट कॉइल होते हुए आगे जा रहा है, और यहाँ पे देखो एक 10 ओम का रजिस्टर होते हुए वोल्टेज इन हो रहा है, ठीक है। और जो कॉइल लगी है वो स्विचिंग पर्पज़ के लिए लगी है, और जो रजिस्टर लगी है वो इनपुट सेक्शन के लिए लगी है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, ठीक है। और यहाँ पे आपका एनेबल लाइन है, आपका PWM लाइन है। आपका एनेबल लाइन जो है वो CPU से आती है, और जो आपका PWM लाइन है वो आपकी LCD कनेक्टर से आती है। तो अब सर्किट के हिसाब से आपको एनेबल कहाँ से करवाता है वो सर्किट में डिपेंड होता है, ठीक है। और बाकी रहे आपकी कैथोड की लाइन, ठीक। तो देखो, इसमें हम फंस कहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले हम करते ये नहीं है कि स्कीमेटिक के थ्रू हम कोई भी रिपेयर नहीं करते, ठीक है। तुक्काबाजी ज़्यादा चल जाता है, ऐसा होगा तो क्या होगा, नहीं इसमें ये वाली कहानी होती है तो ये वाला चेंज कर देते हैं। और इसी चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना भी चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे काम कैसे होता है उस चीज़ को देखते हैं। चलो, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि जो काम हमारी है वो किस तरीके से होती है। यहाँ पे देखो, जो हमारी R461, ठीक है, ये 0 value रजिस्टर, ठीक है, यहाँ पे हमारा VPH वोल्टेज आना चाहिए दोनों तरफ, यही पास करता है VPH को लाइट के लिए। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँ,
ठीक है, और इस तरफ भी ठीक है, मतलब ये वोल्टेज को बाईपास कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं आगे लगे हुए कंपोनेंट को। देखो यहाँ पे एक रजिस्टर लगी है R417, देख रहे हो, ये हमारा स्कीमेटिक में यहाँ पे है, देखो। और ये 417 की वैल्यू थी 10 रजिस्टर, 10 ओम की। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो एक तरफ BPH है लेकिन एक तरफ नहीं है, एक वोल्टेज है। तो इसका मतलब है या तो रजिस्टर ख़राब है, या तो आगे वाला कोई कंपोनेंट ख़राब है, या इनपुट में IC प्रॉब्लम है। एक थोड़ा सा सीधा सा फंडा यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो हम इसमें किस तरीके से इसको रिपेयर करते हैं उस चीज़ को समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारी आउटपुट की लाइन है। अगर आउटपुट की लाइन में अगर हम वोल्टेज चेक करें, देखो इनपुट में वोल्टेज है और यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज है। ये इस वजह से है, अगर आप स्केमेटिक को देखोगे तो एक कॉइल के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो इसी वजह से हमको यहाँ पे BPH लाइन आ रही है। अगर आप स्केमेटिक को समझ रहे हो तो कॉइल के थ्रू, जो हमारी स्विचिंग कॉइल है जिसको आप बूस्ट कॉइल बोलते हो, उसके थ्रू वोल्टेज आगे हो रहा है। अब देखने में ऐसा लगेगा कि आउटपुट तो हो रहा है मेरा वोल्टेज, ठीक है, लेकिन बूस्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो हमारा रहता क्या है यहाँ पे कि हमको यहाँ पे सबसे मेनली IC निकालना है, और अंदर से आपका सारा जितना भी IC का पॉइंट है उनका डायोड वैल्यू निकालो आप, ठीक है। वो चीज़ नहीं करते हम, करते क्या हैं, हमको रजिस्टर में वोल्टेज बाईपास होते नहीं देखा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्टर को उतारेंगे, ठीक है। अब यही करते हैं बेसिकली, जो बिगनर लोग हैं वो करेंगे क्या, रजिस्टर को उतारेंगे। मैं आपको वही चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मिस्टेक आप कहाँ पे करते हो वही चीज़ को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो ये हमने निकाल दिया रजिस्टर, और 10 ओम का रजिस्टर है अगर, तो हम जम्पर भी कर देंगे, 10 से क्या फ़र्क पड़ता है। उस चीज़ को देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे रजिस्टर उतार दी है, और इसको वोल्टेज को बाईपास करने की कोशिश भी कर देते हैं। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें, आप अगर ये चीज़ समझ जाओगे तो आप थोड़ा सा रिपेयर करना अपना थोड़ा सा चेंज करोगे आप, ठीक है। जब तक आप बगैर स्कीमेटिक के रिपेयर करते हो तो हालत थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे पहले हम जम्पर दे देते हैं यहाँ पे, चलो ओके। ये हमारा जम्पर भी हो गया, चलो। तो अब वोल्टेज चेक करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आप हमारा मेन मिस्टेक हम कहाँ से करते हैं या किस तरीके से वर्किंग करते हैं, मैं वो चीज़ आपको मेनली समझाना चाहता हूँ, ताकि बाद में आप इस चीज़ को सुधार कर सकें। देखो यहाँ पे अगर वोल्टेज आप चेक करोगे, ये देखो, ठीक है, वोल्टेज भी नहीं है, देख रहे हो 0.2। पहले कम से कम वोल्टेज तो आ रहा था जब रजिस्टर था, तो अब तो वो वोल्टेज भी नहीं है। इसका मतलब है 100% कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्टिंग है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मैंने थ्योरी के हिसाब से बेसिकली पहले ही कहा था, लेकिन अब जम्पर करने में पता चल रहा है कि हाँ कोई ना कोई कंपोनेंट ख़राब है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा रोजिन लगाएंगे, ठीक।
रोजन लगाने के बाद ये चेक करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट हमारा शॉर्टिंग है, आईसी है या कोई कंपोनेंट है, उस चीज़ को देखेंगे। ओके, इसमें थोड़ा सा हम लगा देते हैं, एक सेकेंड। देखो अब तो आउटपुट भी नहीं बन रहा, ठीक है, पहले आउटपुट तो बन रहा था। देखो रजिस्टर की उस तरफ सेटिंग थी, अब रजिस्टर ना होने की वजह से पूरी लाइन सेटिंग हो गई, यानी कि एक 10 ओम का रजिस्टर भी इतना ज़्यादा काम कर लेता है। मतलब रजिस्टेंस की मतलब ये होती है, आप रजिस्टर क्यों लगा होता है, इस वजह से लगा हुआ होता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, अगर कंपनी ने कोई सर्किट डिज़ाइन कर रखा है उसका मतलब है कुछ। यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे ओके है वाली लाइन, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, देखो लाइन शॉर्टिंग है, मतलब रजिस्टर की बात की जो लाइन थी वो शॉर्टिंग है, और उसमें ऑल आईसी के अंदर भी जा रहा है और एक कॉइल में भी, कैपेसिटर में भी जा रहा है। देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर में जा रहा है और एक आईसी में जा रहा है, तो या तो मेरा कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, शॉर्टिंग हो सकता है, या तो मेरा आईसी के अंदर से शॉर्टिंग हो सकता है, ठीक है। उस चीज़ को चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा रोजिन लगा दूँगा यहाँ पर और चेक करूँगा कि मेरा फॉल्टी कहाँ पर है। ओके, मेरा रोजिन और यहाँ पे हम लगा देते हैं। ये देखो यहाँ पे जो एक कैपेसिटर था ये शॉर्टिंग था और इसको हमने कर दिया, इसको हमने निकाल दिया, यानी कि ये बहुत बार गर्म हो चुका वाला था, तो इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन ये गलत चीज़ है, लेकिन जल्दी वाले लोग इसी तरीके से निकाल देते हैं। ओके, तो अब जम्पर करके देखते हैं। चलो ये हमारी जम्पर हो गई, अब चेक करके देख लेते हैं। थोड़ा सा क्लीन, चलो वो बाद में देख लें, अभी देखते हैं। यहाँ पे देखो एक सेकंड वोल्टेज दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, देखो वोल्टेज आ गया यहाँ पे एक, और यहाँ पे भी आ गया, ठीक, और आउटपुट, यानी कि अब दोनों तरफ वोल्टेज आ गया है, अब तो लाइट आ जाना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। तो अगर अब भी लाइट नहीं आया तो चेक नहीं करेंगे, कॉइल चेंज कर देंगे, डायोड चेंज कर, पूरा सर्किट चेंज कर लेंगे, आईसी चेंज कर लेंगे, ठीक। तो देखो ऐसा करने से क्या हो जाता है, वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप अगर इस तरीके, देखो अभी तक आपने स्कीमेटिक का अगर यूज़ नहीं किए हो तो आप यही काम करोगे, क्योंकि देखो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मेरे को किसी ने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन क्या किया था, मेरे 9A में मैंने सर डायोड चेंज कर ली, कॉइल चेंज कर ली, आगे की रजिस्टर चेंज कर ली, आईसी चेंज कर ली, सारा चेंज कर लिया, फिर भी मेरा लाइट नहीं आ रहा है, मेरे डिस्प्ले में भी डायोड वैल्यू ओके है, सारा कहानी हुआ था। तो वही चीज़ मैं आपको पहले दिखा देता हूँ सारा कुछ चेंज करके। देखो ये चीज़ मैं
इसलिए कर रहा हूँ कि आप दोबारा से इस चीज़ को मिस्टेक ना करें, ठीक है। दोबारा कभी भी आपका कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए या किसी भी लाइट सेक्शन को अगर आप चेक करो तो ये वाली गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रख लेना। आप करते क्या हो इसमें, आप देखो पहले तो आप आईसी निकाल के देखोगे, ठीक है, हो सकता है मेरा आईसी ख़राब हो, ओके। चलो इसका भी आप काम कर लोगे, ठीक है। तो इसमें कॉइल डायोड सारा चेंज कर लोगे आप, ओके। यहाँ तक का मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, ओके। और जहाँ पे आपको मेन समझाना चाहिए वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो मैं यहाँ पे आईसी क्या कहते हैं कॉइल सारा जितना भी है चेंज करने के बाद की आपको मैं वीडियो शो करता हूँ, ओके ओके। तो हमने यहाँ पे सारा कुछ चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे कॉइल चेंज कर दी, आईसी चेंज कर दिया, कैपेसिटर चेंज कर दिया, रजिस्टर सारा जो भी था वो सारा कुछ लगा दिए। अब यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करना चाहूँगा। देखो वोल्टेज सारे में देख रहे हो, ये देखो, चलो मतलब जिसमें जिसमें वोल्टेज हर एक में आना चाहिए था सब में आ रहा है लेकिन वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है। तो देखो ये सारा चेंज करने के बाद मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा अब स्कीमेटिक, ठीक। तो मैं स्कीमेटिक के सारे लाइन चेक करने के लिए मेरे लिए सिर्फ आईसी ही एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे मैं हर एक पिन को चेक कर पाऊँगा, अगर एक चीज़ को देख पाऊँगा। देखो मैंने सारा कुछ चेंज कर लिया, उसके बाद भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लाइट नहीं आएगा। देखो ये सारे तुक्केबाजी वाली कहानी हो गई। तो देखो इसमें हम काम कैसे करते हैं आप उस चीज़ को समझें। हम निकाल देते हैं इस वाली आईसी को, ओके। तो इसको रख लेते हैं साइड, बाद में रिपोल करके लगा लेंगे, कोई भी आईसी चलेगी पूरा, ओके। तो देखो हमें मेनली किस तरीके से चेक करना है आपको मैं इसमें पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। जो हमारी आईसी है उसकी आईसी की पिन भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है, और बीट मैप में उसकी पिन भी आप ध्यान रख लेना। देख रहे हो आप A1 B1 C1 A2 B2 C2, देखो इस तरीके से आप लाइन देख लेना। और यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को रख लिया डायोड मोड पे। तो अब यहाँ पे देखो मैं A1 वाली लाइन को चेक करता हूँ, ओके। जो हमारी A1 वाली लाइन है एक रजिस्टर के साथ ग्राउंड हुई है, ठीक है, और रजिस्टर की वैल्यू है 42 किलो ओम की, यानी कि कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा, ओएल दिखाएगा है। वैसे 42 किलो ओम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो डायोड मोड उसको दिखा नहीं पाएगा, उसको अगर हम रेजिस्टेंस मोड में रखेंगे तभी कुछ काम हो पाएगा, ठीक है। और इसमें ठीक है यहाँ पे ओएल है, ठीक है, और दूसरा देखो यहाँ में B1 की बात, B1 में डिस्प्ले से होते हुए एक लाइन आ रहा है तो मैं इसमें डिस्प्ले कनेक्ट कर देता हूँ। देखो जिसको PWM बोलते हो, CAVC PWM, ओके। और इसमें मैंने डिस्प्ले कनेक्ट कर लिया तो डिस्प्ले की वैल्यू दिखाना चाहिए, ये देखो
ठीक है, अगर डिस्प्ले नहीं लगाया होता तो यहाँ पे ओएल दिखा देता, क्योंकि डिसकनेक्टर की कोई वैल्यू नहीं होती। और उसके बाद में देखते हैं C1 की, C1 की अगर यहाँ पे लाइन देखें, एक सेकेंड, ये देखो C1 की लाइन है, एनेबल लाइन है, ठीक है, CPU से आई है, तो इसमें कुछ वैल्यू दिखाएगा, ठीक है, 400-500 के करीब। एक सेकेंड, और देखो यहाँ पे A2 में कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों कैथोड की लाइन है, A2 A3। ओके, ये देखो V3 ग्राउंड की लाइन है, तो ग्राउंड दिखा दिया, V2 NC था। और यहाँ पे देखो हमारा कॉइल से जुड़ी हुई लाइन जो हमारी C2 है, C2 में वैल्यू दिखाया, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, लेकिन ये देखो सॉरी C3 में वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन C2 में कुछ वैल्यू नहीं दिखा रहा है। देखो C2 की पॉइंट में OL दिखा रहा है, अगर आप C2 को देखोगे तो यहाँ पे OL दिखा रहा है। C2 की लाइन जो थी वो हमारी जो रजिस्टर हमने निकाला था वहाँ से आ रहा वाला लाइन है, ठीक है, इन लाइन है, ये देखो ये इन लाइन है, लेकिन वैल्यू कुछ भी नहीं दिखा रहा है। देखो अगर C2 की देखोगे लाइन, तो C2 वाली लाइन जो है वो इन लाइन है, और रजिस्टर तक भी कोई वैल्यू नहीं आ रहा था, यानी कि वहाँ से यहाँ तक आने की जो वैल्यू है वो, ये जो लाइन है वो कट हो चुकी है। तो हो सकता है रजिस्टर जलने की वजह से ट्रैक टूटा हुआ हो, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको स्क्रैच करके दिखाता हूँ, कुछ है नीचे पॉइंट। ओके, यहाँ पे देखो जलने की वजह से पॉइंट नीचे रह गई है, वो देखो, ये रहा कैपेसिटर की जलने की वजह से ट्रैक लूज होके टूट गई है, यानी कि ट्रैक नीचे रह गया, जला हुआ भाग सिर्फ ऊपर रह गया था। तो रजिस्टर को कैपेसिटर को निकालते समय जो जली हुई भाग थी वो निकल गई और ट्रैक नीचे रह गई। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा PPT भर के ट्रैक बना देता हूँ जंपर करके, ओके, यहाँ पे देखो, चलो ये हमारी ट्रैक बन चुकी है, हमने इसको रजिस्टर के साथ, एक सेकेंड, चलो तो ये रजिस्टर के साथ जुड़ चुके हैं, और इसको मैं आपको क्लीन करके भी दिखा देता हूँ। देखो अगर मैं B2 से यहाँ की लाइन की वैल्यू चेक करूँ, तो देखो अब लाइन प्रॉपर दिखाया, पहले OL दिखा रहा था, अब लाइन को प्रॉपर दिखाया, अब लाइन ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ क्लीन,
चलो अब ठंडा हो चुका होगा, इसको कर लेते हैं हम क्लीन। और देखो यहाँ पे मैं पीपीटी लगा सॉरी रोजिन लगा देता, यूवी मास्किंग कर देता हूँ, नाम बहुत सारे ये आ गए, यहाँ पे मैं यूवी मास्किंग कर देता हूँ अभी। ठीक है, देखो इसमें जो हमारी इन लाइन थी वो टूट गई थी, तो हमें तब पता चला ना जब हमने को आईसी के अंदर से चेक किया कि मेरा कौन सा लाइन वर्किंग में नहीं है या कौन सा लाइन वर्किंग में है। ये सारा कुछ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, यानी कि स्केमेटिक को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी। अब इसमें आप मेरा लाइट सेक्शन प्रॉब्लम हो गया तो मैं क्या करूँ वाली अगर क्वेश्चन आती है तो यहाँ पे सक्सेस नहीं हो जाती। ठीक है, उसके लिए आपको लाइन को ट्रेस करना आना चाहिए। ठीक है, जब तक आप लाइन को ट्रेस नहीं कर पाएंगे तब तक आपका कहानी नहीं बनता। तो स्केमेटिक की डीप नॉलेज और बहुत सारे नए आइडियाज़ जो हमको काम करने के लिए और अच्छी तरीके से प्रेरित करती हैं, उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको एकदम अच्छी तरीके से गाइड करें, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, ओके, तो नेपाल के लिए कोई हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, हम बेसिकली नेपाल से हैं। और अगर कोई बंदा ऑनलाइन करना चाहता हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नोट दे रखा है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने जंपर कर दी है और मैं आईसी लगा के दिखा देता हूँ एक बार, देखते हैं काम हो जाना चाहिए अब तो। चलो, इस चीज़ को बंदे चेक नहीं करते, ठीक है, देखते नहीं, सारा कुछ चेंज छेड़खानी हो जाती है, सारा कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन एक लाइन को नहीं देखेंगे तो वो ही लाइन हमेशा दिक्कत की वजह हो जाती है। ठीक है, तो जितना भी जिस किसी बंदे ने भी हमको ये क्वेश्चन किया है कि सर लाइट सेक्शन में सारा कुछ चेंज कर दिया फिर भी मेरा लाइट नहीं आता, तो आप सारा कुछ चेंज मत करो, आप सारा कुछ चेक करो, ओनली चेक करो, चेंज करने से कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, आपको सारा कुछ चेक करना आना चाहिए, किसका काम क्या होता है वो चीज़ चेक करना आना चाहिए। ठीक है, और मेन होता है किस लाइन की काम क्या होती है, अगर वो चीज़ समझ में आ गया तो आपका लगभग 99% काम बन जाता है। ठीक है, हर बार आपका कंपोनेंट ख़राब नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे हम आईसी लगा के दिखा देते हैं आपको। चलो इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, तो थोड़ा सा पेस्ट रहने देते हैं, बाकी निकाल लेते हैं और जो हमारी आईसी है उसको रिबोल कर देते हैं। देखो जो भी कहानी मैंने कही है वो आपको लगता है समझ में आ गई होगी। ओके, देखो जो कोई भी बंदा फेसबुक से देख रहे हो तो फ्लो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और जो कोई भी बंदा अगर इसको यूट्यूब से देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और किसी को जानकारी देना चाहते हो तो वीडियो को एक शेयर कर देना। ओके, तो हम आईसी को कर देते हैं रिवॉल्व। चलो
इसको लगा देते हैं। ओके, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ओके, अब लगभग ठंडा हो गया होगा। ओके, तो एक बार आपको मैं चेक करवा के दिखा देता हूँ। चलो, ये लगा दिया हमने चार्ज, और ये देखो ये हमारी जो है लाइट सो गई। ठीक है, तो कॉमन फॉल्ट होते हैं, आप उसको बड़ी इश्यू में ले लेते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर आपको मेरा वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।